हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने अपने एक गाड़ी खड़ी हुई है भाई, स्विफ्ट। अब आज के टाइम में भाई देखो, बहुत सारी गाड़ियां ट्रेंडिंग में चल रही हैं, लेकिन स्विफ्ट का जलवा है ना, ये पता नहीं 2005 से कैसे बिखेरता हुआ आ रही है। मतलब स्विफ्ट है ना, आपको हर जगह मिल जाएगी, आपको छोटे से छोटे आदमी के पास स्विफ्ट मिल जाएगी, अमीर से अमीर आदमी के पास भी स्विफ्ट मिल जाएगी। मतलब स्विफ्ट ऐसी गाड़ी है, हर कोई बंदा ले लेता है, चाहे वो LXI ले, चाहे VXI ले, चाहे ZXI ले, भाई वो अपने बजट के हिसाब से ले लेते हैं। बट भाई कुछ वैसे भी होते हैं, जो होते हैं ना अल्ट्रा लेजेंड वाले, जो LXI लेके उसको टॉप मॉडल बनाते हैं। अब जैसे कि ये गाड़ी भी आप देख सकते हो LXI है, फेंडर पे इंडिकेटर अभी भी बरकरार है, और इसमें जो है ना पूरी की पूरी डिफरेंट लुक हो चुकी, पूरी चेंज हो चुकी लुक, एक नंबर की लुक आ रही है स्विफ्ट की। और शीशे काले हुए पड़े पे, ये देख लो बदमाशी वाली, मतलब जो कहते हैं स्विफ्ट बदमाशों वाली गाड़ी है, ये बना रखी है भाई बदमाशों वाली। और इसमें बहुत सारा काम हुआ हुआ है बाहर से। ये रही भाई चाबी इस गाड़ी की, देख सकते हो आप किस टाइप की इसकी चाबी है, चाबी भी मॉडिफाई करा रखी है, फ्लिप की जैसे BMW वगैरह में आती है ना, अब तो खैर उनमें स्मार्ट की आने लग गई, मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसी जो है बना रखी है चाबी। तो भाई हम ना बता पाए गाड़ी के बारे में कुछ रह जाए तो इससे बढ़िया ओनर को बुला लेते हैं, ओनर से पूछ लेते हैं क्या क्या गाड़ी के अंदर करा रखा है। तो भाई गाड़ी है अपने मोंटी भाई की, मोंटी भाई को बुला लेते हैं एक बार। तो मोंटी भाई क्या हाल है? आराम आराम सभी भाइयों को, बढ़िया हाल है भाई, आप बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया 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 भाई, क्या मन में आई, एक स्विफ्ट ले लेते हैं, छोटी सी गाड़ी, आप इतने लंबे और स्विफ्ट जो है छोटी सी। यार भाई पता क्या, एकदम इंस्टेंटली प्लान बना था मेरा 3 साल पहले कि भाई गाड़ी लेनी है। तो भाई ये 3 साल हो चुके हैं, इसको देखने में तो नई जैसी लग रही है भाई। हाँ थोड़ी सी रनिंग कम मान लो या फिर थोड़ी सी मेंटेनेंस मांग लो, अभी भी कितनी गंदगी जमी हुई है इसके ऊपर, देखोगे ना पास भाई कैमरे में ना इतना धूल ऑब्जर्व होती नहीं है, धूल मिट्टी है देख लो, ये पूरी की पूरी गंदी हुई, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है अभी ये, और थोड़ी साफ सफाई मान लो, मतलब थोड़ी सी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, इसलिए ऐसी गाड़ी है ये, 3 साल बाद भी चमचमाती लग रही है आपको। अच्छा पर स्विफ्ट भाई ले ही रहते तो थोड़े बहुत और पैसे डाल के एक अच्छा मॉडल ले लेते भाई। हाँ ये रिग्रेट मेरे को रहेगा, मैं और अपनी ऑडियंस को ही बताना चाहूंगा कि भाई बेस मॉडल ना लेके ना आप एक मॉडल अपग्रेड ले लो, बेशक आप सोचते हो ना कि लाख रुपए बच जाएंगे, 1.5 लाख बच जाएंगे, उसको मॉडिफिकेशन कर लो बाहर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं करवा पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो गया, पहले तो एक बार ये बता दो अपने गाड़ी में करा क्या क्या रखा है। पहले ये बताता हूँ उसके बाद बताऊंगा। हाँ। ये फेंडर का फेंडर पे इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये, ठीक है, और इसको आप अगर चेंज करना चाहोगे तो फेंडर चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी आपकी पेंटेड हो जाएगी। अच्छा, सो कहीं ना कहीं आपको ये दुख दर्द साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ भाई, जो भी नई गाड़ी लेंगे इसको मत ले लगवाए, मतलब वो मतलब LXI ले, LXI ना ले, VXI ले, ठीक है। हाँ, और गाड़ी के अंदर काम की बात बताएं तो भाई इसके प्रोजेक्टर HID लगवा रखी हैं, और ये स्टॉक है, हेडलाइट्स हैं, ये टायर्स लगवाए हैं 17 इंच के, अच्छा 215/45 R17 से, और बाहर तो अलॉय, जैसे लोग कहते हैं क्रिटिसाइज करते हैं आफ्टर मार्केट अलॉय लगाने के बाद गाड़ी की चाल बिगड़ जाती है, बेकार हो जाती है क्या है भाई? देख मैंने अभी 1000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी अलॉय लगवाने के बाद। अच्छा, उससे पहले मैंने ये 17,000 चली ना अभी, तो 16,000 बिना विदाउट अलॉयस थी, अब जाके अलॉयस लगवाए इसमें। सो या तो देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं, कोई दिक्कत तो नहीं आई मेरे को अभी तक, माइलेज वगैरह भी लगभग उतनी दे रही है इतनी ये पहले देती थी। अच्छा, 15 के आसपास अभी दे रही है, कुछ अच्छा, खास अच्छा। पड़ा नहीं है भाई इसमें, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब ये चाइनीज टायर है और चाइनीज अलॉयस है, तो जब हाईवे चलाते है ना 100 से ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, बट फिर भी अंदर डर सा रहता साला यार कहीं फट ना जाए टायर, 100 से ऊपर लूज होता है, एंजाइटी रहती है। यस yes. तो वही डर सा लगा रहता है कि यार कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, हालांकि कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है इसमें, मैंने 5 लोग पीछे बिठा के भी गाड़ी चला ली यार, अभी तो देखना 1000 किलोमीटर चली है, टायर बिल्कुल नया का नया पड़ा है भाई। हाँ बिल्कुल नया है, बट अगर मान लो कोई ब्रांडेड टायर भी है और वो चिकना हुआ पड़ा है तो उससे तो बढ़िया है कि चाइनीज टायर हो लेकिन नया हो। हाँ बट यार अंदर पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है कहीं साला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन हालांकि टच वुड गाड़ी चलाई है मैंने, हाईवे पे चलाई है 100-120 पे, मेरठ एक्सप्रेसवे पे चलाई है, अमर एक्सप्रेसवे पे चलाई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि अलॉयस लगवाने के बाद दिक्कत क्या आती है। एक फ्रेंड ने और लगा उसका 225 वाला है, उसकी भी सही चल रही है। अच्छा। तो आप लगवा सकते हो अलॉयस, कोई देखो फेंडर के अगर देखोगे तो आप यहाँ पे टच भी नहीं हो रहा कहीं पे भी। अच्छा, कहीं भी टच नहीं हुआ? कहीं भी टच नहीं हो रहा, पूरा टायर घुमा हुआ है, देख लो भाई कहीं भी टचिंग हल्की फुल्की भी नहीं है अब यहाँ पे ना, पूरा टायर घुमा हुआ है, उसके अच्छा। बाद भी 3 उंगलियों का स्पेस बचा हुआ है। हाँ सही कह रहे हो, 18 इंच भी लगवा सकते हैं। तो वैसे भाई स्विफ्ट में अगर देखा जाए ना, जो बाहर स्विफ्ट आती है, स्विफ्ट स्पोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें भी 17 इंच के टायर आते हैं, ये सेम प्रोफाइल आती है, 16 के आते हैं शायद, नहीं 17 आता है उसमें, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये बॉडी तो सेम ही है, तो
एक तरीके से ये भी लगवा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। और क्या क्या करा रखा है गाड़ी और अंदर आ जाओ, अंदर दिखा देता हूँ मैं। क्या अंदर आना पड़ेगा उसके लिए? हाँ भाई, पहले एक बार डिग्गी खोल के देख लेते हैं कुछ, या पहले अंदर ही चले? इसमें ना चार इन्फिनिटी के स्पीकर्स खोल लेता हूँ डिग्गी। अच्छा, यहाँ पे ना चार इन्फिनिटी के रेफरेंस के स्पीकर्स लगे, दो जो होते हैं। अच्छा, पार्सल ट्रे में? हाँ, वो मैंने हटा रखा है, बिकले इसकी वायरिंग वगैरह ये ढोलक लगा रखा है। ये बेस ट्यूब है, ऊपर किसको कहते हैं इनक्लोजर, ये थोड़ा स्पेस का थोड़ा दिक्कत हो जाती गाड़ी के अंदर। हाँ। और ये जो एम्पलीफायर वगैरह है ये गिर गया यार। कोई बात नहीं, बहुत सी चीजें गिरती रहती हैं। ये वाइपर लगाने हैं तो ये अभी पड़े हैं, अभी लगाई नहीं है। ओके। गाड़ी के अंदर ये यहाँ पे सारा काम करा रखा है, आगे वायरिंग नहीं है। और ये नीचे क्या लगा हुआ है छोटा सा? ये यार ये इसको कहते हैं साउंड बूस्टर वगैरह, कन्वर्टर है, कन्वर्टर, साउंड कन्वर्टर, राइट। भाई एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, अगर निकल जाए तो। सारा ब्रांडेड चीज लगवा रखे भाई। निकल गया, ये देखो डेफ बोन्स का। हाँ, डेफ बोन्स का भाई। अब जो अगला सेटअप लगेगा ना मेरा, हाँ? उसमें तकरीबन सारी चीज डेफ बोन्स के करवा दूंगा मैं। अच्छा, डेफ बोन्स वाले क्या आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं? नहीं, पता है क्या है, मेरे को लगवाना है क्योंकि डिग्गी में साइज बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे स्पेस में, छोटे उसमें एनक्लोजर में बढ़िया वो आ जाए। अच्छा, बूफर की बेस तो 800 RMS का बूफर आता है डेफ बोन्स का, एक 18-19 हजार रुपए का, और उसके बाद छोटी बेस टू बन जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको हटवा के वो लगवा लूँ। स्पेस थोड़ा एक कम से कम एक अटैची ढंग से आ जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, इसलिए मैंने इसमें ये लगवा रखा। ठीक है, और मेरे को थंबनेल भी मिल गया, चलते हैं अंदर। चलो भाई अंदर चलो, अंदर डैम्पिंग वैम्पिंग करा रखी है गेटों पे। ये देखो भाई, मतलब है ना फील हो जाता है जैसे ही मैं ये बजा रहा हूँ ना, ये फेंडर की आवाज आ रही है आपको, ये दरवाजे की आवाज आ रही है, दरवाजे की हो जाता है, जैसे वो रही होते पुराने टाइम के राजा महाराजा हो गए, लकड़ वाले दरवाजे रहते थे वो, लकड़। मतलब ठीक है यार, क्योंकि पता है इसकी बॉडी में क्या है, हल्का सा अगर कंकर भी लग गया ना रोड चलती गाड़ी में तो डेंट आ जाता है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। अच्छा। बाद में है, उसके अलावा स्क्रीन उक्रीन लगवा रखी है, और ये स्टेयरिंग स्टेयरिंग दिखा। अच्छा, जैसा ही आपने इतना अच्छा हाई एंड सेटअप लगा रखा है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना एक चाइनीज एंड्रॉइड के साथ ना जाके हम जो है पाइनियर वगैरह कोई ब्रांडेड यूनिट लगाएंगे, तो आप क्यों नहीं गए उस इधर? भाई बजट इशू था मेरा उस टाइम। अच्छा। मुझे थोड़ी नॉलेज भी कम थी, और मुझे जैसे जैसे चीजों के अंदर जा रहा हूँ मैं तो पता चल रहा है कि जो पायनियर के हेड यूनिट का आउटपुट है वो एंड्रॉइड कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। अच्छा, और जैसा कि ये एक एलेक्साई मॉडल है गाड़ी, तो अंदर बैठ के भाई फील क्यों नहीं हो रहा है एलेक्साई है? एलेक्साई थोड़ा सा काम करा दिया, छत करा दी इसकी, थोड़ा सा कहते हैं भाई इसे है? देखना एक बार छत, और सीट कवर करवा दिए। हालांकि मैं अभी भी सोच रहा हूँ उसको थोड़ा चेंज करा दूँ, 3 साल हो गए सेम इंटीरियर। देख लो, पैसा हो तो ऐसा हो, मतलब सीट कवर फटे नहीं है कहीं से, फटे फिर भी चेंज कराना है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने, ये क्वालिटी से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर दिया? क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेनी नहीं थी ना, मेरे बेटे ने तोड़ दिया। अच्छा, हाँ तो आपने फिर बेटे को बहुत मारा था? नहीं कुछ नहीं किया भाई, तोड़ दिया। अच्छा, और ये मैं तोड़ दूँ तो मैं फोड़ दूंगा फिर। और ये क्या कहते हैं, ये लगवा रखा है क्या? मीटर। अच्छा, मीटर लगवा रखा है। हाँ। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने जिसने इस स्विफ्ट की वीडियो पहले देखी हुई है, हाँ, उनको पता होगा कि इसमें मीटर तो लग गया था, बट है ना ये एक्चुअल रीडिंग नहीं थी इसकी। हाँ भाई, अब ये 17,296 इसमें रीडिंग दिखा रहा है। ये मैंने करवाई है, करवाई और है। ये मैं भाई ओपनली बता रहा हूँ कि करवाई है। मीटर टेम्पर्ड है, यानी कि टेम्पर्ड कह सकते हैं, मतलब टेम्पर्ड क्यों है यार, मैंने कुछ तो घटाया ना बढ़वाया ना भाई, जितनी थी एक्यूरेट उतनी करवाई है ना। मेरे पुराने मीटर में गाड़ी ना भाई, एक बार लो भाई, मेरे पुराने मीटर में ना गाड़ी जो चली थी वो लगभग 13-14 हजार के आसपास चली थी। अच्छा। और इसके लगवाने के बाद मैंने 3-4 हजार चला दी थी, तो टोटल मिला के 16,900 कुछ बन रही थी किलोमीटर, मैंने उतनी करवा दी, एक साथ ही बढ़ा दी। हाँ चलो बढ़िया, गलती। और ये स्टीयरिंग का क्या है, टॉप मॉडल वाला है फिर भाई? ये बटन लगवा रखे मैंने, बट अब आजकल तो स्टीयरिंग लगा रहे हैं लोग, तो वो लगवा लो आप, बटन वटन ना लगवा के, क्योंकि इसमें पता क्या है, देखो ये खराब हो जाते हैं जल्दी। ये देखो, अच्छा कचर कचर ये कचर कचर की आवाज आ रही है। एक मिनट में आपको साउंड सुनाता हूँ, ये देखो, ये डीप चीज है, कोई बताएगा नहीं। सही बात है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ कि मैं लगवा रखे हैं, मैं वो चीजें बता दूंगा जो आपको लगवानी वो भाई देखो, जब गाड़ी का ओनरशिप होता है ना तो ट्रू ओनरशिप रिव्यू कहते ही इसे हैं, जिसमें कि भाई सारी कमियां भी बताई जाए, बताएं और जो गाड़ी की अच्छाई है। अब मैं बताता हूँ भाई आपको क्या आफ्टर मार्केट लगवाना चाहिए और क्या आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना चाहिए। अच्छा, अगर आपने बेस मॉडल गाड़ी ली है तो, और क्या कंपनी से लगवाना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी आपको सेंटर लॉकिंग ऑफर कर रही है कंपनी से लगवाने के लिए, तो वो लगवा लो, ठीक है, आफ्टर मार्केट मत जाओ। अगर आपकी कंपनी कह रही है पावर विंडो लगा के दे देंगे हम, वो लगवा लो आफ्टर मार्केट के बजाय। अच्छा, इनमें इतना रिस्पॉन्स नहीं, पीछे वाली देखो मैं पावर विंडो दिखाता हूँ आपको, निकली पड़ी है वो। कहाँ से निकली पड़ी है? ये देखो भाई, ये ओहो, ये देखो, ये ना ऐसे होता है। कितने पैसे खर्चे थे पावर विंडो पे भाई?
शायद शायद 9,000 रुपए चले, शायद पक्का नहीं है, शायद 7-8-9 इतने लगे थे। 9,000 रुपए पे पानी फिर गया। हाँ, 3,000 की सेंट्रल लॉकिंग लगी थी, 9,000 की, 12,000 रुपए, और कंपनी वाले मांग रहे 18,000 रुपए। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार शायद काश मैं उनके साथ बात, 6,000 रुपए के चक्कर में इतना महंगा घाटा आपको जो है झेलना पड़ गया है। महंगा तो नहीं है, बट ये है कि यार मतलब जो है क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज कर, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। अब बात करते हैं लोइस की, तो अब यार देख लो आप, गाड़ी बिल्कुल मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कचर पचर आवाज नहीं है, और कोई कचर अच्छे से पूरा बॉडी रोल टाइप का। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास डिजायर है, तो उसने पूछा, अपनी गाड़ी चला के दिखा, गाड़ी में कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बोला बेटा एक दो साल रुक गया फिर देखियो आवाज। बट मैंने उसको गलत साबित कर दिया, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही किसी भी तरीके की। उसका कहने मतलब ये था कि इसके बॉडी पार्ट हल्के हैं, अरे बोल जाएगी गाड़ी, ये बोल जाएगी। लेकिन भाई देख, गाड़ी देखो मारुति को ना हम गालियां बकते तो हैं, ऐसी है वैसी है ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा ये बात कि भाई रिलायबिलिटी तो इसी मिलती है आपको। सही बात है, कितनी गाली बकलो। अच्छा जैसे अभी 17,000 चल चुकी है आपकी गाड़ी, 3 साल हो चुके हैं, तो मतलब वो 3 सर्विस आपकी मोटी मोटी हो चुकी। हाँ भाई, तो क्या कॉस्टिंग आ जाती है सर्विस की भाई? सर्विस की तो मान लो तुम, सर्विस से पहले मैं बताता हूँ इंश्योरेंस। तीसरा इंश्योरेंस हुआ इसका, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कितने का हुआ होगा बजाज अलायंस का, सब कुछ ले भाई मेरी गाड़ी का, मेरे पास वैगनआर एलेक्सा सीएनजी है, मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस हुआ था वो 7200 रुपए का हुआ था। हाँ, तो इसका इतना ही होगा, 7200 8,000 लगे होंगे भाई। इसका हुआ है 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए? हाँ भाई, 16,000 में मैंने सारे एडवांस ऐड करवा दिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12,000 के आसपास का इंश्योरेंस इसका। अच्छा, लेकिन सालों ने पता नहीं 16,000 रुपए कटवा दिए यार। भाई वो आपका जो है ना डीलर ने थोड़ा सा कमीशन ज्यादा बना लिया होगा, कोई पता नहीं, मैंने एमआई से करवाया। एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड ने मेरा सर्वे करने में लगा हुआ है। अच्छा, तो आज तक हालांकि मैंने उस टच वुड कोई वो नहीं लिया, इसमें लगा हुआ है कोई इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हाँ भाई, उस टाइम नॉलेज थी नहीं, जिसने जैसा बताया वैसा लगवा लिया। अच्छा, नई गाड़ी में क्या होता है, जो लोग जैसा गाइड करते हैं ना वैसे ही गाइड आप हो जाते हो। सही बात है, तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। हर किसी को भाई हमारे ऐसा एडवाइजर नहीं मिलता ना। हाँ, अब हमने जो है वो अपने जो पीछे वीडियो देखी होगी, हमने अपने सौरभ भाई को वो दिलाई थी एक ब्रेजा। अब वो ब्रेजा में भाई हमने सारा क्वालिटी वाला काम कराया है, और कुछ भी जो है दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ये कह रहा हूँ भाई आप सभी को, काम करवाओ लेकिन थोड़ा सा नॉलेज गेन करके। सही बात है भाई, 4 दिनों से थोड़ा अपना जो है वो ले लो रिव्यू, गो विद फ्लो मत जाओ। हाँ, कि जिसने जो कहा वो मान लिया, ठीक है, तुरंत ऐसे मत मान लो, अच्छे से भाई। हाँ, वो करो आप छानबीन, वो मत जाओ आप, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, और ज्यादा समझदार लोगों की बातें मत सुनो। सही बात है, ज्यादा समझदार लोगों की बातें ही मत सुनो, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। हैं, कुछ बातें जैसे कुछ होता है ना, कुछ फ्रेंड साला गलत चीजें लगवा देते हैं। जैसे मेरी गाड़ी में एक मेरा दोस्त है गौरव नाम का। हाँ। उसने मुझे एक इन्फिनिटी रेफरेंस के वो लगवा ले ओवल, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, उससे बढ़िया आवाज अब आ रही होगी, ठीक है, बिल्कुल, बट उसने मुझे पता नहीं था भाई ट्रैवल की थोड़ी सी कमी है। उसने बोला मैंने लगवा ली है, मैंने फिर दो और लगवा ली। ऑडियो में आपको इसलिए नहीं सुना रहा इसमें वीडियो में, क्योंकि भाई वो समझ में आएगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। ऑडियो ऐसे समझ में आती नहीं है बात, उसके बाद थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं भाइयों, देखो मैंने माइलेज के निकाल के देते थे भाई, माइलेज में गाड़ी घुमाए जा रहे हो भाई, माइलेज 17 दिखा रही है, तो लगभग 15 की दे देती है जब ही घुमाए जा रहे हो। हाँ, अच्छी खासी माइलेज दे देती है भाई स्विफ्ट, 17 इंच रिम लगने के बाद 17 की माइलेज है, 18 इंच लगाओगे तो 18 की 22 इंच लगाओ, हमें चलेगी भी नहीं गाड़ी, मुड़ेगी भी नहीं, ठीक है भाई। मतलब होपफुली मैंने आपके ऑडियंस को सब कुछ बता दिया होगा। बिल्कुल भाई, आपने जो है बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, सब अच्छा, अपने जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव थे सारे अच्छे से कवर करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई, टाइम निकालने के लिए आपने जो है अपना गाड़ी पेमेंट कर देना मेरी, ठीक है, ठीक है, आपकी पेमेंट आपको जो है दे दी जाएगी जैसे ये वीडियो खत्म होगी। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।